हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5. द नेम ऑफ द चैप्टर रेशनल नंबर्स. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5A. राइट द फॉलोइंग विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर. यानी कि इनके डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है. ये डिनोमिनेटर नेगेटिव है, माइनस का साइन है, तो इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे. इस ये डिनोमिनेटर में माइनस है, उसे न्यूमरेटर में रख देंगे, पुट कर देंगे, और ये डिनोमिनेटर इस तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा, न्यूमरेटर आपके पास नेगेटिव हो जाएगा. अब सेम स्टूडेंट्स सी पार्ट में भी आपको वही करना है. माइनस वाला ये माइनस रिमूव होकर ऊपर हो जाएगा, क्योंकि प्लस का प्लस में माइनस का डिवाइड लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. अब बी पार्ट में स्टूडेंट्स ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक इसमें पॉजिटिव हो जाएगा. सेम डी पार्ट में भी स्टूडेंट्स आपको माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो ये नेगेटिव था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव था, ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स. इसमें पता करना है जो रेशनल नंबर्स दिए हैं तो इनमें कौन से पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव है. इसमें ओनली सिंगल वन माइनस आया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता तो कैंसिल हो जाता. तो ये जो रेशनल नंबर है वो नेगेटिव है. इट इज़ रेशनल नेगेटिव रेशनल नंबर हुआ. तो ये माइनस माइनस लगा हुआ तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर 3/2 जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ. सेम स्टूडेंट्स इसमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो पहले से हम प्रॉपर में चेंज करेंगे. तो 4 1 4 एंड 1 5 5/4. इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, सो इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. ओके, अब हमारे पास ये +4/5 तो इसमें माइनस का साइन है ही नहीं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 4 × 3 एंड डिनोमिनेटर इज 2 × -5. यानी कि न्यूमरेटर इसका है 4 × 3 तो इसका न्यूमरेटर होगा 12 और डिनोमिनेटर है 2 × -5 तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -5. तो रेशनल नंबर होगा 12, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 12/-10. तो 2 से कॉमन फैक्टर है इसका, कॉमन फैक्टर 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 6/5 हो जाएगा, तो -6/5 ये रेशनल नंबर बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट दिस इज द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. न्यूमरेटर इज डिफरेंस ऑफ 5 and 7. 5 and 7 का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास न्यूमरेटर बनेगा एंड डिनोमिनेटर इज 7. तो 5 and 7 का डिफरेंस होगा -2 होगा और डिनोमिनेटर में 7 होगा वो कह रहा है, तो इसका जो रेशनल नंबर बनेगा -2/7 होगा. नाउ द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. न्यूमरेटर इज प्रोडक्ट ऑफ 3 and -5. इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करके, एंड डिनोमिनेटर इज द सम ऑफ 2 and 5. तो न्यूमरेटर में 3 and 5 का जो प्रोडक्ट है तो 3 and 5 -5 का जो प्रोडक्ट होगा -15 होगा. अब इसमें जो है 7 इस तरीके से हो गया कि ये 2+5 यानी कि 2 and 5 का, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 7 हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द न्यूमरेटर इज द सम ऑफ 2 and 5. न्यूमरेटर जो है 2 and 5 का सम है. ओके, तो 2 and 5 का सम है इसमें न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर इज सक्सीजर ऑफ -3 यानी कि -3 का सक्सीजर फाइंड करने के लिए +1 करते हैं, और न्यूमरेटर 2 and 5 का सम, तो 2 and 5 का ये सम हो गया 7 हो गया, और -3 का जो सक्सीजर होगा वो +1 करके फाइंड करेंगे तो वी विल गेट -2. तो दिस इज द -7/2, दिस इज द रेशनल नंबर वी गेट. ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ आंसर में भी डिफरेंट. आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बुक से मैच करें. तो आपके पास फर्स्ट नंबर है -3/5, इसके इक्वल 3 नंबर्स और आपको नोट करने हैं. तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे और ये माइनस है तो ऊपर न्यूमरेटर में माइनस रखेंगे और 3 का टेबल रीड करते हुए चले जाएंगे. 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12. ऐसे 5 का टेबल 5 2 10, इसका टेबल 2 times बड़ा है तो इसका भी टेबल 2 times रीड करना होगा. और 5 3 15, 3 3 9, 5 4 20, 3 4 12. सेम स्टूडेंट्स इसमें करना है, 4 का टेबल रीड करते हुए जाना है, इसमें 7 का रीड,
इसमें माइनस फाइव का टेबल रीड करेंगे, इसमें नाइन का टेबल रीड करेंगे। तो इस तरीके से थ्री थ्री और रेशनल नंबर हम इक्वलेंट रेशनल नंबर नोट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फाइव, फिल इन द ब्लैंक्स। माइनस फाइव बाई सेवन इज इक्वल टू ब्लैंक 49। अब ब्लैंक की जगह हम एक्स सपोज कर लेते हैं, तो माइनस फाइव अपॉन सेवन एक्स अपॉन 49, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन इंटू एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो सेवन इंटू एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, और माइनस फाइव इंटू 49 हो जाएगा। अब ये सेवन को हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, इसे सेवन से कैंसिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स सेवन से जब इसे कैंसिल करेंगे तो सेवन टाइम्स ऑफ माइनस फाइव इंटू सेवन का प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस 35 होगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स जो हमने फिलअप की जगह रखी, तो हम एक्स की जगह माइनस 35 पुट कर देंगे। तो यहाँ माइनस 35 आपको पुट करना है। सेम स्टूडेंट, इसमें डिनोमिनेटर नहीं मालूम हमारे पास, तो इस जगह डिनोमिनेटर की जगह हम बाई सपोज कर लेते हैं। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टू इंटू बाई और थ्री इंटू माइनस सिक्स। अब टू को हम डिवाइड में ले जाएंगे, टू से डिवाइड लगाएंगे माइनस थ्री, और माइनस थ्री का मल्टीप्लाई माइनस थ्री से करेंगे, वी विल गेट माइनस नाइन। अब जहाँ वाई है हमने पुट करा है, तो वाई की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ माइनस आपके पास नाइन हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वलेंट फ्रैक्शन होगी। जब इसकी लोएस्ट फॉर्म पॉइंट करेंगे तो टू बाई थ्री ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव का सी डी ई एंड एफ पार्ट यू हैव टू डू सॉल्व बाई योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स। एक्सप्रेस माइनस नाइन बाई फाइव एज अ रेशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो फाइंड करना है उस जगह। तो डिनोमिनेटर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन था वो डिनोमिनेटर हमारे पास 20 था, तो हम 20 डिनोमिनेटर है हमारे पास, तो माइनस फाइव बाई नाइन और माइनस 36 हमने बाद में पुट कराया, इसमें डिनोमिनेटर हमें दिए हुआ था 20, तो हमने ये पुट करा, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ। तो हम सबसे पहले एक्स सपोज कर लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह, और फाइव इंटू एक्स और नाइन माइनस नाइन इंटू 20, फाइव को डिवाइड में ले जाएंगे, फाइव से डिवाइड लगाएंगे स्टूडेंट्स इसको, तो हमारे पास फोर आएगा, फोर का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नाइन से, वी विल गेट माइनस 36, माइनस 36 को इसे पुट कर देंगे। सेम स्टूडेंट्स, इसमें डिनोमिनेटर माइनस 35 दे रखा है, तो हमें 63 हमने फाइंड आउट करी है, इसकी जगह एक्स सपोज कर लिया स्टूडेंट्स, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स फाइव इंटू एक्स और माइनस नाइन इंटू माइनस 35। अब आपको फाइव को डिवाइड में लेके आएंगे, 35 को कैंसिल करेंगे तो माइनस सेवन आएगा, माइनस सेवन का माइनस नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट प्लस 63। तो इसे प्लस 63 आपको यहाँ पुट करना है, एक्स की जगह रिप्लेस कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी एंड डी पार्ट यू हैव टू डू सॉल्व बाई योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेवन। एक्सप्रेस माइनस सेवन अपॉन एलेवन एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। इसमें न्यूमरेटर पता है हमारे पास, 14 हमें पता है, डिनोमिनेटर हमने ये पद फाइंड किया है, ठीक है ना। तो हम डिनोमिनेटर की जगह वाई पुट कर देंगे, माइनस सेवन बाई इलेवन, और हमारे पास 14 अपॉन वाई हम पुट कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेवन इंटू वाई और इलेवन इंटू 14 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब सेवन को हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो सेवन से माइनस सेवन से हम 14 को कैंसिल करेंगे तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट माइनस 22। तो ये बाई की वैल्यू है, तो बाई की जगह पुट कर देंगे माइनस 22। सेम स्टूडेंट्स, इसमें भी आपके पास डिनोमिनेटर आपको 55 हमने फाइंड किया है बाद में, तो 55 पुट करा हमने, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7 इंटू बाई और 11 इंटू माइनस 35। अब 7 को डिवाइड में ले जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 7 से 35 वी विल गेट 5। अब नाउ वी मल्टीप्लाई 5 इंटू 11 वी विल गेट 55। ओके, तो ये हमारे पास बाई की वैल्यू हो गई, बाई की जगह बाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन का सी एंड डी पार्ट यू हैव टू डू सॉल्व बाई योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर एट। एक्सप्रेस 3/5 एंड 5/12 एज इक्वलेंट फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, यानी इनके डिनोमिनेटर हमें सेम बनाने हैं। जो 3/4 है और 5/12 है, इनके डिनोमिनेटर कैसे सेम बनाएंगे, कि जो डिनोमिनेटर में ये 12 दे रखा है इसमें, और इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन में कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 12 का मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल कर दिया। अब हम इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करेंगे, तो 4/4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12, 3 3 9, 9/12 इसका डिनोमिनेटर 12 हो गया। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 5/12 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए,
तो यह हमारे पास सेम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ये इक्वलेंट फ्रैक्शन बनेंगी। ओके महाराज, ये दोनों इक्वलेंट नहीं है, यानी कि ये इसके इक्वलेंट है, 9/12 जो है 3/4 के इक्वलेंट है और 5/12 के, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये इक्वलेंट इसके है और ये इसके इक्वलेंट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस 3/7 एंड 2/5 एज इक्वलेंट फ्रैक्शन हैविंग द सेम न्यूमरेटर। अब इसमें न्यूमरेटर सेम करना है, तो ये 2 है जो इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इसमें कर देंगे, इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में कर देंगे। तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे इसमें दोनों में, तो वी विल, और इसका जो 3 का मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे करेंगे, तो हमने दोनों में करा, तो इस तरीके से हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/14 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट और इसका 6/15 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर इसके सेम है, और ये इसके इक्वलेंट ये है और इसके इक्वलेंट ये है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज। कैन 3/2/3 बी रिटन एज विद डिनोमिनेटर 6, यानी कि इसका कोई ऐसा फ्रैक्शन लिख सकते हैं इसके इक्वल जिसका डिनोमिनेटर 6 हो सकता है, यस, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर 3 है और 3 की टेबल में 6 आता है, इसलिए हम कोई फ्रैक्शन ऐसा लिख सकते हैं कि इसके इक्वलेंट हो जिसका डिनोमिनेटर 6 होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो 3 आ रहा है उसके टेबल में 6 आता है। अब नाउ तो इसमें हम लिखेंगे यस, अब हमें चेक करना है कि विद न्यूमरेटर 6, क्या न्यूमरेटर 6 हो सकता है, तो न्यूमरेटर में 2 है, 2 की टेबल में हमारे पास क्या आता है, 6 आता है, तो इसको भी हम न्यूमरेटर 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यस लिखेंगे। विद डिनोमिनेटर 8, तो नो क्यों लिखा हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास जहाँ 3 है और 3 की टेबल में 8 नहीं आता, इसलिए यहाँ नोट करा हमने नो। अब विद न्यूमरेटर 8, यह न्यूमरेटर 8 हो सकता है कोई फ्रैक्शन इसके इक्वलेंट हो, तो बोले यस, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में यहाँ 2 है, 2 का टेबल में 8 आता है, ठीक है, तो इसलिए हम यस लिखेंगे। विद न्यूमरेटर 9, यानी न्यूमरेटर में 9 हो सकता है, तो बोलेंगे नो, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में 2 है और 2 के टेबल में 9 नहीं आता, इसलिए हम इसको नोट करेंगे। ओके